जानते हैं कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरम मक्की के सहनों और मुताफ की छत पर जो पत्थर लगा हुआ है उसका लगाने वाला कौन था और कैसे हासिल किया गया था। इस पत्थर की खसूसियत यह है कि गर्मी को जज़्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। अगर इस बारे नहीं जानते तो सुनिए, ये तारीख बड़ी ईमान अफरोज भी है और हैरत अंगेज भी। हरम पाक और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी के मंसूबे पर काम करने वाले डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल भी एक कमाल शख्सियत थे। वो मिस्र की तारीख के सबसे कम उम्र शख्स थे जिन्होंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल किया। फिर वो रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे जिन्होंने वहां से ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। फिर वो सबसे कम उम्र ग्रेजुएट थे जिनको यूरोप से इस्लामिक आर्किटेक्चर में डॉक्टरेट की 3 डिग्रियां लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र नौजवान थे जिन्होंने बादशाह से नाइल स्कार्फ और आयरन का खिताब हासिल किया। वो पहले इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफैन के तौसी मंसूबे की तामीर और अमल दरामद के लिए इख्तियारात संभाले। उन्होंने शाह फहद और बिन लादन कंपनी के बार बार इसरार के बावजूद इंजीनियरिंग डिजाइन और आर्किटेक्चरल निगरानी के लिए किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं 2 मुकद्दस मसाजिद के कामों के लिए क्यों मुआवजा लूं, और अगर लूंगा तो क्यामत के दिन अल्लाह ताला का कैसे सामना करूंगा। उन्होंने 44 साल की उम्र में शादी की। कुदरत का करना यह हुआ कि जब उनकी बीवी ने बेटा जन्म दिया तो जिचगी के बाद वो फौत हो गई। उसके बाद डॉक्टर कमाल ने शादी नहीं की और वो मरते दम तक यकसू होकर हरमैन शरीफैन की खिदमत में ही मसरूफ रहे। उन्होंने तकरीबन 100 साल उम्र पाई और दुनिया और मीडिया की चक्काचूंध से हटकर गुमनाम रहकर हरमैन शरीफैन की खिदमत की। उस अजीम आदमी की हरमैन शरीफैन में नसब किए गए सफेद पत्थर के हसूल की कहानी भी बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज है। ये वो पत्थर है जो हरम मक्की में मुताफ की छत और बाहर सहन में लगा है। इसकी खसूसियत यह है कि गर्मी को जज़्ब करके फर्श की सतह को ठंडा रखता है। ये पत्थर एक मूल ग्रीक में एक छोटे से पहाड़ में दस्तियाब था। वो सफर करके ग्रीक गए और हरम के लिए काफी मकदार में तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का मुआहदा किया। मुआहदे पर दस्तखत करके वो वापस मक्का लौटे और सफेद पत्थर स्टॉक में आ गया और हरम मक्का में पत्थर की तंसीब मुकम्मल कराई। 15 साल बाद सऊदी हुकूमत ने ऐसा ही पत्थर मस्जिद नबवी में भी नसब करने को कहा। इंजीनियर मोहम्मद कमाल को जब बादशाह ने मस्जिद नबवी में वैसा ही मार्बल लगाने को कहा तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि कुर्रा अर्स पर वाहिद जगह ग्रीक ही थी जहां ये पत्थर दस्तयाब था और आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। इंजीनियर मोहम्मद कमाल बताते हैं कि वो ग्रीक में उसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास गए, उसे मिले और मार्बल की बकाया मकदार जो बच गई थी उसके बारे में पूछा तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया, वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद बेच दिया था, अब तो 15 साल हो गए हैं। डॉक्टर कमाल बड़े अफसुरदा हुए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो ऑफिस सेक्रेटरी से मिले और गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का अता पता चाहिए जिसने बकिया तमाम मार्बल की मकदार खरीदी थी। तो उस सेक्रेटरी ने मुतल्लिका शोबे से बात करने के बाद बताया कि पुराना रिकॉर्ड तलाश करना अगरचे बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना फोन नंबर दे जाएं, मैं तलाश करवाने की कोशिश करती हूं। डॉक्टर कमाल ने अपना नंबर और होटल का पता दिया और अगले दिन आने का वादा करके चले गए। दफ्तर छोड़ने से पहले डॉक्टर कमाल ने सोचा कि मुझे क्या जरूरत है इतना फिक्रमंद होने की कि किसने खरीदा, अल्लाह के घर का काम है, अल्लाह खुद ही कोई बंदोबस्त कर देगा। अगले दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे कबल उन्हें फोन कॉल आई कि मार्बल के खरीदार का एड्रेस मिल गया है। डॉक्टर कमाल कहते हैं कि अब मैं अजब ऐसा साथ के साथ बहुत सुस्त रफ्तार से दफ्तर गया कि अब क्या करूंगा खरीदार के एड्रेस को लेकर, क्योंकि इतना लंबा अरसा हो गया है और खरीदार तो इस पत्थर को पता नहीं कहां कहां इस्तेमाल कर चुका होगा। डॉक्टर कमाल दफ्तर पहुंचे तो सेक्रेटरी ने कंपनी का पता दिया जिसने मार्बल खरीदा था। जब डॉक्टर कमाल ने पता देखा तो कुछ देर के लिए तो हैरत से उनका दिल धड़कना ही भूल गया
और फिर हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात से उन्होंने जोर का सांस लिया, क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो सऊदी थी। डॉक्टर कमाल ने सऊदीया की फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब आए और सीधा उस कंपनी के दफ्तर जा पहुंचे। वो डायरेक्टर एडमिन से मिले और पूछा कि आपने उस मार्बल का क्या किया जो ग्रीक से खरीदा था, तो उसने कहा मुझे याद नहीं। फिर उसने स्टॉक के शोबे से राब्ता किया और उनसे पूछा कि वो सफेद मार्बल जो ग्रीक से मंगवाया गया था किधर है, तो जवाब मिला कि वो सारी मकदार मौजूद है और उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सुनते ही डॉक्टर कमाल तो एक बच्चे की तरह रोने लगे और कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। फिर उन्होंने कंपनी के मालिक को ब्लैंक चेक दिया और कहा इसमें जितनी रकम भरनी है भर लो और मार्बल की तमाम मकदार मेरे हवाले कर दो, क्योंकि हमने ये पत्थर हर सूरत लेना है। जब कंपनी के मालिक को पता चला कि ये तमाम मार्बल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल होना है, तो उसने कहा कि मैं इस सारे पत्थर के इवज एक रियाल भी नहीं लूंगा। अल्लाह ने ये मार्बल मुझसे खरीद कराया और फिर मैं भूल भी गया कि मैं ये खरीदा है। इसका मतलब यही था कि ये मार्बल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल होना है। अल्लाहु अकबर। आखिर पर इकबाल के वो अशार भी सुन लीजिए जो उन्होंने मस्जिद कुर्तबा बारे कहे। मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे कि इन अशार का इंतबाक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी होता है। ऐ हरमे कुर्तबा इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्तो बूद, रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हरफो सौत, मोजज़े फन की है खूने जिगर से नमूद, है मगर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमाम, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहब फरोख, इश्क है असल हयात मौत है उस पर हराम, तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील तू भी जलीलो जमील, तेरी बिना पायदार तेरे सुतू बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हजूमे नखील, तेरे दरो बाम पर वादिये एमन का नूर, तेरा मीनारे बुलंद जलवा गहे जिब्राइल, मिट नहीं सकता कभी मर्दे मुसलमान के है इसकी अजानों से फाश सिरे कलीमो खलील, काफरे हिंदी हूं मैं देख मेरा जौको शौक, दिल में सलातो दुरूद लब पर सलातो दुरूद, शौक मेरी लय में है शौक मेरी नय में है, नगमाए अल्लाह हूँ मेरे रगो पै में है। इन्हीं गुजारशात के साथ इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।